नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 27 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 190 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 8,678 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 13, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 18, दरभंगा में 1, गया में 9, गोपालगंज में 14, जहानाबाद में 1, कटिहार में 9, किशनगंज में 10, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 3, नवादा में 11, पश्चिम चंपारण में 2, पटना में 23, पूर्णिया में 3, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 8, सारण में 9, शेखपुरा में 3, सिवान में 1, सुपौल में 2 मामले सामने आए हैं। बिहार में जहां एक तरफ मामले में बढ़ोतरी हो रही, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इससे ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 8,611 मरीज में से 6,669 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि प्रभावितों से 77% ज्यादा है। अब तक कोविड-19 की वजह से 56 लोगों की जान जा चुकी है, यानी कि बिहार में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 0.65% ही है, जो राष्ट्रीय औसत 1 से काफी पीछे है। बिहार के आईएएस नवीन चौधरी को मिला डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बिहार के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी को हाल ही में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुहैया करवाया गया है। ऐसा तभी हो पाया है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद अब बाहरी राज्य से आकर जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी बनने वाले देश के पहले नागरिक वो बन गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नवीन कुमार मुख्य रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं। आसमानी बिजली से बचने के लिए जारी किया गया एक ऐप। आसमानी बिजली की वजह से बीते दिन बिहार में काफी ज्यादा बर्बादी देखने को मिली, जिसके बाद अब ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इंद्रव्रज नामक ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की नसीहत दी है, जो कि आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। विभागों की माने तो आसमानी बिजली से बचने के लिए इस ऐप में कई सुविधाएं मौजूद है। इस ऐप में आपको अपनी लोकेशन बतानी होगी, जिसकी मदद से आप अपने लोकेशन के 20 किलोमीटर के दायरे में होने वाले आसमानी बिजली की पूर्व सूचना पा सकेंगे। 30 जून तक डीएलएड फॉर्म भरने की तारीख हुई जारी। डीएलएड फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। डीएलएड फॉर्म भरने की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी ऑनलाइन फॉर्म समिति की वेबसाइट पर 30 जून तक जमा कर सकते हैं। भरे गए परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन शुल्क 1 जुलाई से जमा किया जा सकेगा। वहीं लेट फाइन के साथ 2 से 6 जुलाई के बीच में परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। बिहार में बस किराया बढ़ाने की हो रही है तैयारी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को देखते हुए बिहार में अब बस से सफर करने वालों को और ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों को देखते हुए बस संचालकों ने किराया बढ़ाने की तैयारी कर ली है। बंद के बाद डीजल की कीमतों में लगभग 10 रुपए की वृद्धि देखी गई है, और यही कारण है कि बस परिचालन महंगा होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावना है कि बस संचालक 25 से 30% किराए को बढ़ा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में भाजपा और जदयू ने एक फेज में विधानसभा चुनाव करवाने पर दिया जोर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच निर्वाचन आयोग ने सभी दलों की बैठक का भी आयोजन करवाया था, जिसमें जदयू और भाजपा ने चुनाव आयोग के सामने बिहार विधानसभा चुनाव को एक ही फेज में करवाने की पहल की है, जिस पर राजद समेत सभी विपक्षी पार्टियों को चुनाव प्रचार करने का पूरा मौका मिलने की बात कही गई है। जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रचार के तरीके तय करने के लिए बैठक बुलाई है, लेकिन सत्ताधारी दल साजिश रचने में लगी हुई है। जिलों में संभावित बाढ़ के रोकथाम की तैयारी हुई शुरू। मॉनसून के आते ही बिहार में बाढ़ की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नेपाल के आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के कारण बराज के पानी को बिहार की तरफ छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से नीचे पड़ने वाले इलाके में पानी घुस जाता है। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बीते दिन सभी जिलों के डीएम को सख्ती से काम करने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को उक्त आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में पटना समेत 8 जिलों में बारिश होने की जताई संभावना। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं वर्तमान में मौसम विभाग ने अब राजधानी पटना समेत 8 जिलों को लेकर अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगले 48 घंटे में पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, गोपालगंज, दरभंगा और वैशाली में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इन जिलों में 12 से 14 से 16 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं चलने का भी अनुमान जताया गया है।
बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक में बीते दिन 24 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चीन सीमा पर जान गंवाने वाले सेना के 5 जवान के परिजनों को नौकरी देने की बात कही गई है। इसके साथ ही औद्योगिक की प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2020 को स्वीकृति दे दी गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी नियमावली 2013 को संशोधित करने का फैसला सुनाते हुए समेत कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने की पर्दे पर फिल्म रिलीज करने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और विधायक नीरज बबलू ने सरकार से मांग करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि बड़े पर्दे पर रिलीज करने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से अच्छा होगा कि इस फिल्म की रिलीज को देर से करें, लेकिन बड़े पर्दे पर रिलीज करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के फैन बड़े पर्दे पर उनकी फिल्म को देखना चाहते हैं, इसीलिए उसे OTT पर रिलीज ना किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर फिल्म की रिलीज को नहीं रोका गया तो प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ सख्त से सख्त उठाया जाएगा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की बढ़ी संभावना। जैसे जैसे मॉनसून अपने तेवर दिखा रहा है, वैसे वैसे बिहार के कई जिलों में बाढ़ की संभावना बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर बिहार के 16 जिलों में बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके तहत कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में नदियों के पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ते में गंगा के जलस्तर में 2 मीटर से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। वहीं संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों ने हर प्रभावित गांव, टोला और पंचायत में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक कारणों की वजह से किसानों को हुई बर्बादी के लिए 730 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। प्राकृतिक कारणों की वजह से किसानों की फसल काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। इसी क्रम में बीते दिन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री अनुपम कुमार ने सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी है। साथ ही किसानों की बर्बाद हुई फसलों के लिए सरकार की तरफ से कृषि इनपुट अनुदान के तहत 730 करोड़ की राशि की स्वीकृति दिए जाने की बात भी कही है, जिसमें से कुल मिलाकर 547 करोड़ 81 लाख से ज्यादा की राशि 17 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। बाकी किसानों के आवेदनों का निष्पादन तेजी से जा रहा है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को किया गया जिला अलॉट। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अलग अलग जिला अलॉट कर दिया गया है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह सभी अधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त परीक्षा में सफल हुए हैं। राज्य सरकार ने इन सभी अधिकारियों को उप समाहर्ता के रूप में नियुक्ति करते हुए व्यावहारिक प्रशिक्षण को लेकर अलग अलग जिलों में पद स्थापित कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर मांझी ने दिया नया अल्टीमेटम। हम प्रमुख जीतन राम मांझी बीते लंबे समय से महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने पिछली बार 25 जून तक अल्टीमेटम महागठबंधन के सामने रखा था। वहीं अब उन्होंने आखिरी अल्टीमेटम देते हुए 5 दिन और की मोहलत दी है, जिसके तहत दानिश रिजवान ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले कई दिनों से हमारी मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए हम 5 दिन और इंतजार करेंगे और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोई फैसला सुना देंगे। बिहार के सभी होटल मालिकों ने कहा चाइनीज टूरिस्ट आर नॉट अलाउड। बिहार के सभी होटल मालिकों ने चाइनीज टूरिस्ट को अपने यहां पर रखने से साफ मना कर दिया है। जानकारों की माने तो भारत चीन सीमा पर हुए वाक्या के बाद बिहार वासियों में चाइनीज को लेकर के अलग ही नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब बोधगया के होटल में होटल मालिकों ने चाइनीज टूरिस्ट आर नॉट अलाउड का नोटिस चिपका दिया है, जिसके तहत बोधगया होटल एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वह चाइनीज पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल में रूम नहीं देगी। होटल के बाहर साफ साफ नोटिस चिपका दिया गया है। IPS अधिकारी विकास वैभव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फोसिस में पढ़ाया जीवन का पाठ। IPS अधिकारी विकास वैभव ने इन्फोसिस में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्चुअल संवाद के तहत 1.5 घंटे की बातचीत के दौरान जीवन का पाठ पढ़ाया है। मौजूदा कर्मचारी और अधिकारियों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। बातचीत के दौरान जब विकास वैभव ने कर्मचारियों को यह बताया कि साल 2001 में उनका भी सिलेक्शन इन्फोसिस में हो गया था, तो लोग हैरान रह गए। विकास ने बताया कि वो देश के लिए अलग अलग मोर्चे पर काम करना चाहते हैं, वो अपने आप को सिर्फ एक स्तर पर सीमित नहीं रखना चाहते। बिहार की नई औद्योगिक नीति 2025 तक रहेगी प्रभावी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन करवाया गया है, जिसमें बिहार की नई औद्योगिक नीति को मार्च 2025 तक प्रभावी रहने का आदेश सुनाया गया है, ताकि तमाम सर्वेक्षण रिपोर्ट के सहारे औद्योगिक नीति तैयार की जा सके, जिससे बिहार में उद्योग को लेकर काम शुरू करवाया जा सके।
मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर बनने वाले बराज होगा खास। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बनने वाले बराज में कुछ खास और महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो इस बार बनने वाले बराज में सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, जिसका संचालन मशीन से किया जाएगा। बराज बनने से इलाके को न सिर्फ अधिक सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि संभावित बाढ़ से भी राहत मिलेगी, जिसको बनाने के लिए 363 करोड़ का खर्च आएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार आज के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी। प्रशांत किशोर ने सरकार पर जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का लगाया इल्जाम। प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से बिहार सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा है कि चुनाव के कारण बिहार में कोविड-19 टेस्ट की रफ्तार बेहद ही धीमी हो गई है। कोविड-19 की वजह से चुनाव और उसकी तैयारियों में कोई परेशानी नहीं आई है, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में कोविड-19 की जांच की रफ्तार को नहीं बढ़ाएंगे। बिहार में देश की सबसे कम टेस्टिंग हो रही है। सरकार बस आम नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। समीर सिंह की उम्मीदवारी को चुनाव आयोग ने माना सही। बिहार विधान परिषद के लिए कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार समीर कुमार सिंह की उम्मीदवार को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद समीर कुमार सिंह ने अपना नामांकन दायर कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार समीर कुमार सिंह की उम्मीदवारी के लिए जदयू ने संपत्ति के ब्यौरे पर सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद जदयू की तरफ से अपील की गई थी। हालांकि देर शाम तक जदयू ने अपने आपत्ति वापस ले ली है। इसी के साथ कांग्रेस उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बीते दिन अपने ट्वीट के जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यह स्पष्ट हो गया है कि डोकलाम के दौरान राहुल गांधी चीन के साथ क्यों खड़े थे और लद्दाख मुद्दे पर पूरी कांग्रेस चीन के साथ क्यों खड़ी है। अब जब इस बात का खुलासा हो ही गया है कि चीन राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दे रहा है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी की नजदीकी चीन के साथ इतनी ज्यादा क्यों है। जेएमएम ने की महागठबंधन में 12 सीटों की मांग। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन दल से 12 सीटों की मांग की है, जिसके तहत जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जहां एक तरफ झारखंड में महागठबंधन के पार्टनर है, वहीं राजद का एक विधायक उसमें शामिल है और उनको हमने सम्मान के साथ मंत्री पद दिया है। हमारी भी अपेक्षा है कि बिहार में भी हमें सम्मानजनक सीट मुहैया कराई जाए। हम ज्यादा सीट की मांग नहीं कर रहे, बस 12 सीटों को चिन्हित किया है, उसी की दावेदारी मांग रहे हैं। हमें जमीन पर काम कर रहे हैं, बहुत कमेटियां हमारी काम कर रही है, कुछ मुद्दे आदिवासी मूलवासी के भी है। इन सभी चीजों को लेकर हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उम्मीद है कि सीट भी हमें अपेक्षा अनुसार मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस और राजद के गठबंधन पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस के समझौते और सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले पैसे की भारी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने भारतीय बाजार को खोल दिया और बुरी तरीके से प्रभावित हुए। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की तरफ से मिले चंदे की वजह से छोटे उद्योग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी जुलाई से करने वाले हैं अपनी नई पारी की शुरुआत। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार धोनी जल्द ही कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं। इसी काम के लिए 200 कोचों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अनुसार धोनी अपनी क्रिकेट अकेडमी 2 जुलाई को लॉन्च करने वाले हैं। उनका लक्ष्य है कि यह क्लास की व्यवस्था की जाए। उनका लक्ष्य पूरे विश्व को कोचिंग देने का है। कोच की नियुक्ति भी की जा चुकी है, 2 जुलाई से शुरू होने जा रही है। वहीं शुरू होने वाले संस्थान के डायरेक्टर के रूप में साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर डेरिक लिन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रिलायंस जियो को बताया चीन फ्री। भारत चीन के बीच बढ़े तनाव के बाद भारत में चीनी उत्पादों को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में आम नागरिक चीनी उत्पादों के इस्तेमाल को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूरसंचार कंपनियां भी इसके घेरे में लगातार आ रही है। मगर अब अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने साफ तौर पर कहा है कि भारत की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने चीनी उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो हुवावे के साथ सौदा खत्म कर रहे हैं। जियो के साथ टेलीफोनिक ऑरेंज टेलेस्ट्रा कंपनी अब साफ सुथरी टेलीकॉम कंपनी बनती जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनोज गुप्ता, प्रियांशु चौधरी, अमीर लाल यादव, दिव्यांशु कुमारी, दीपू कुमार, कृष्णकांत शर्मा, टिंकू कुमार सिंह, रितेश कुमार, भोला दास, सोनी देवी, दीपक कुमार शर्मा, सूरज कुमार, प्रियंका कुमारी, मनीषा कुमारी, कंबाइंड यूट्यूब। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सर्वदलीय बैठक में भाजपा और जदयू की तरफ से एक फेज में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग कितनी सही है कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।